हाय गाइस, सो मैं आ चुकी हूँ नेल एक्सटेंशंस के लिए, बट आई हैव नॉट डिसाइडेड कि मैं टेम्प्रेरी नेल्स करवाऊँगी या फिर मैं परमानेंट नेल्स करवाऊँगी. सो देखते हैं. और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि मैं बाहर नेल्स करवा रही हूँ. अदरवाइज़ आपको पता ही होगा, मैं नेल्स जो एक्सटेंशन है वो घर पर ही नॉर्मली वो स्टिक करके कर देती हूँ. सो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस. चलिए देखते हैं प्रोसीजर कैसे स्टार्ट होती है. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, ये टेबल था जहाँ पर मेरा नेल एक्सटेंशन होने वाला था. सारी एसेसरीज उनकी टेबल के ऊपर रखी हुई थी. उसके बाद हम दोनों ने बैठ के थोड़ी देर डिस्कशन किया और उन्होंने काफ़ी अच्छा कोऑपरेट किया था मेरे साथ और मुझे पूछा था कि आपको किस तरीके का चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, ग्लिटर चाहिए, नहीं चाहिए. सो काफ़ी देर तक हमारा ये डिस्कशन चलता रहा. समथिंग अराउंड 15 मिनट्स तक हम सिर्फ डिस्कशन ही कर रहे थे और वो बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रख के मुझसे बात कर रहे थे. इस तरीके का बिल्कुल उनका एटीट्यूड नहीं था कि आपको जल्दी डिसाइड करना है, फटाफट डिसाइड कर लो कि आपको क्या चाहिए, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है. बिल्कुल भी ऐसा नहीं था. उन्होंने बहुत पेशेंस के साथ मेरे साथ जो डिस्कशन था वो किया. उसके बाद मैं 3 कलर पे आके रुक गई थी और उसके बाद उन्होंने मुझे थोड़ा हेल्प आउट किया कि आपको इस तरीके का करवाना चाहिए. तो मैं फ़ोन भी खोल के दिखा रही थी कि देखिए मुझे कुछ ऐसा चाहिए, मुझे मैट चाहिए, मुझे ये कलर्स चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा ग्लिटरी नहीं चाहिए. सो काफ़ी अच्छा और खासा हमारा लॉन्ग डिस्कशन चला था. तो स्टार्ट करने से उन्होंने कुछ स्प्रे था वो मेरे नेल्स पे स्प्रे किया और उसे एक टिश्यू पेपर की हेल्प से पहले क्लीन किया. तो आई थिंक ये मेरे नेल्स को सैनिटाइज कर रहे थे, नेल्स को क्लीन कर रहे थे आगे के प्रोसीजर के लिए. तो मैं थोड़ा सा इसमें आपको डिटेल बहुत अच्छे से नहीं दे पाऊंगी क्योंकि ये मेरा काम नहीं है और मुझे इतना ज़्यादा डिटेल में ये पता नहीं है. लेकिन जितना मैं समझ पाऊंगी उतनी डिटेल्स मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूंगी. उसके बाद उन्होंने मेरे नेल्स को जो है वो कट करना शुरू किया. तो उन्होंने मेरे नेल्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा छोटे कट कर दिए और उनका ये कहना था कि अगर हम स्टिकॉन्स लगाते हैं या फिर टेम्प्रेरी नेल एक्सटेंशंस करते हैं तो हमारे नेल्स जो होते हैं वो एकदम छोटे कट करने बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो जब ग्रो करेंगे तो जो के एक्सटेंशंस होते हैं उनके साथ वो मैच हो जाता है, समथिंग ऐसा कुछ था. तो उन्होंने मेरे नेल्स जो थे वो बहुत ही ज्यादा छोटे कट कर दिए थे यहाँ पे. उन्होंने मेरे फिंगर्स पर कुछ बेस कोट लगाया था. सारे फिंगर्स पे लगाने के बाद उन्होंने जो क्यूटिकल्स थे मेरे वो अच्छे से क्लीन किए, बहुत डीप क्लीन किया. और उन्होंने कहा भी कि आपके नेल्स जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लीन है, तो इसमें हमारा टाइम जो था वो बहुत ही ज़्यादा बच गया था, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था इस स्टेप में. को अच्छे से क्लीन करने के बाद उन्होंने नेल्स को थोड़ा सा शेप दिया और जो सरफेस होता है उसको थोड़ा सा रफ किया ताकि जो हम नेल्स स्टिक ऑन करेंगे वो अच्छे से स्टिक हो जाए हमारे नेल्स पे. सो ये उनका प्रोसीजर होता है. और ये करने के बाद उन्होंने नेल्स को बहुत ही अच्छे से क्लीन किया था ताकि कोई भी रफ डर्ट या ऐसा कुछ रह ना जाए. अच्छे से क्लीन करने के बाद जो हम नेल्स स्टिक करने वाले थे उनकी वो मेजरमेंट ले रहे थे, लाइक साइज वाइज वो निकाल के रख रहे थे ताकि जब वो स्टिक करना हो तो वो फटाफट से स्टिक कर सके. सो काफ़ी टाइम तक उन्होंने इसमें टाइम लगाया और अच्छे से बहुत पेशेंसली उन्होंने प्रॉपर साइज के नेल्स निकाले. ऐसा नहीं था कि बस काम फटाफट ख़त्म करना है तो बस फटाफट से कर दीजिए. और उसके बाद इस ग्लू के साथ उन्होंने जो मेरे नेल्स थे उसके ऊपर उसे, यानी मेरे फेक नेल्स को स्टिक कर दिया.
सारे नेल्स जब मेरे लग चुके थे तो उसके बाद उन्होंने एक नेल को कट किया और मुझे साइज पूछ रहे थे कि आपको किस साइज के नेल्स आपके रहने देने हैं। तो वो डिस्कशन के बाद उन्होंने मेरे जो नेल्स थे वो सारे कट कर दिए अच्छे से, मुझे जो डिजायर्ड साइज चाहिए था नेल्स का वो उन्होंने रहने दिया। और जब मेरे सारे नेल्स अच्छे से कट हो चुके थे तो उन्होंने चेक किया कि दोनों हाथों के नेल्स एकदम प्रॉपर है और उसके बाद वो नेल्स को शेप देने लगे। और मैंने जो शेप चूज किया था वो स्क्वायर था, मुझे बहुत ज्यादा यू नो पॉइंटेड और एलमंड नहीं चाहिए थे बिकॉज रेहान है और मुझे थोड़ा बहुत रेहान का जो काम होता है वो करना पड़ता है, तो रेहान को नेल्स लग सकते थे। सो मैंने बहुत ही ज्यादा सिंपल और बेसिक नेल्स करवाए थे, स्क्वायर करवाए थे मैंने। कट और शेप देने के बाद वो नेल को बफ भी कर रहे थे ताकि नेल्स कहीं से भी शार्प ना रहे और मुझे डेली जो काम करने पड़ते हैं उसमें मुझे कहीं पे नेल्स जो है वो अटके ना। तो उन्होंने बहुत पेशेंसली और बहुत अच्छे से उनका काम किया था, कोई उनको हड़बड़ी और कोई जल्दी नहीं थी ये सारा काम करने में, बहुत पेशेंसली वो सारा काम आराम से कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने एक बेस कोट अप्लाई किया मेरे नेल्स पे और उसके बाद यहाँ से हमारा जो मशीन वर्क था वो शुरू हो गया था। सो बेस कोट अप्लाई करने के बाद 60 सेकेंड्स, नेल पॉलिश लगाने के बाद 60 सेकेंड्स, उसके ऊपर एक कोट लगाने के बाद अगेन 60 सेकेंड्स। सो आप देख सकते हो यहाँ पे अगेन मैं थोड़ी सी कन्फ्यूज़ हो गई, तो वो बहुत ही आराम से मेरा जो कन्फ्यूजन था वो क्लियर कर रहे थे कि आपको इन तीन में से कौन सा नेल कलर चूज़ करना है। फिर फाइनली मैंने पर्पल कलर एंड ग्लिटर कलर चूज़ किया और उसके बाद उन्होंने नेल पेंट लगाना स्टार्ट किया। तो ये जो नेल पेंट्स होते हैं वो कुछ अलग होते हैं, वो ड्राई ऐसे एयर में नहीं होते, तो उन्हें आपको एलईडी लाइट्स में ही ड्राई करना पड़ता है। सो बस उन्होंने दो दो कोट्स नेल पेंट के लगाए और उसके बाद ऊपर एक कोट और दूसरा लगाया और बार बार मैं जो है वो एलईडी लाइट्स में अपने हैंड्स को रख रही थी कुछ इस तरीके से। और 60 सेकेंड्स के बाद जो है मेरे नेल पॉलिश जो है बहुत अच्छे से एकदम अच्छे से सूख गई थी और फाइनली जो रिजल्ट है वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे नेल्स कैसे लग रहे थे। सो मैं यहाँ पे शूट करना थोड़ा सा भूल गई थी बिकॉज मेरे जो नेल्स थे वो इतने अच्छे लग रहे थे और मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि मैंने एंड का शूट नहीं किया। सो यहाँ पे मैं कुछ फोटोग्राफ्स है वो ऐड कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरे नेल्स जो थे वो किस तरीके के लग रहे थे। तो यस गाइस, यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर कर आपने मेरे चैनल को किया है सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक जरूर करना एंड शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय गाइस।